तो आज की क्लास में हम कटोरी ब्लाउज सीखने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है। सो हम सिंगल कटोरी भी सीखेंगे और डबल कटोरी भी सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले सिंगल कटोरी की कटिंग देखेंगे, उसके बाद हम डबल कटोरी की कटिंग भी देखेंगे, यानी कि एक ही अभी वापस से हमें 4 डार्ट की ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होगी। वी नीड अगेन अवर 4 डार्टेड ड्राफ्टिंग फॉर कटोरी ब्लाउज। कटोरी ब्लाउज के लिए भी 4 डार्ट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम ब्लाउज लेंथ ले रहे हैं 14.5 एंड 15.5, अपर चेस्ट मेजरमेंट 36, चेस्ट मेजरमेंट 38, अपर वेस्ट लेंथ मेजरमेंट 14, अपर वेस्ट राउंड मेजरमेंट 35, लोअर वेस्ट राउंड मेजरमेंट 35, शोल्डर मेजरमेंट 13.5, फ्रंट विड्थ मेजरमेंट 12। सो ए टू बी बैक लेंथ 14.5, आर्मोल लेंथ 8 इंचेस अकॉर्डिंग टू 38 बस्ट। 38 बस्ट के अकॉर्डिंग आर्मोल लेंथ मार्क करना है हमें 8 इंचेस। ये हमारी अपर चेस्ट लाइन, अपर चेस्ट डिवाइड बाय 4, 9 प्लस मार्जिन हम डायरेक्ट फैब्रिक में लेंगे, वेस्ट डिवाइड बाय 4, 9, 8.75, 35 इज वेस्ट, वेस्ट डिवाइड बाय 4, 9, 8.75। अब देखो प्लस 1 मैं कर रही तो बाहर जा रहा है, तो मुझे बाहर नहीं चाहिए, तो मैं जितना यहाँ है उतना ही मार्क करूँगी। आई विल मार्क द सेम एंड आई विल ऐड ओनली 0.25 डार्क। सिर्फ इतना ही डार्ट आएगा, ओनली दिस मच डार्ट आई हैव टू ऐड। नाउ शोल्डर मेजरमेंट, शोल्डर्स हाफ 13.5, हाफ 6.75, 1 inch शोल्डर डाउन 3 inches नेक विड्थ। यहां से यहां तक हमें मार्क करना है सेंटर, और यहां से यहां तक हम कर्व शेप में मिला लेंगे। तो ये बैक पार्ट हो गया, अब हम इसको कट कर लेते हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे, फ्रंट लेंथ 8 इंचेस, अपर वेस्ट लेंथ 14, ये हमारी शोल्डर लाइन है, अपर चेस्ट लाइन, अपर वेस्ट लाइन। सो ऑन चेस्ट लाइन बैक एंड फ्रंट, बैक प्लस फ्रंट चेस्ट डिवाइड बाय 2, बैक और फ्रंट दोनों मिला के चेस्ट डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। चेस्ट हाफ 19 इंचेस, थोड़ा जूम आउट कीजिए, वो नहीं दिख रहा है। नाइनटीन बैक और फ्रंट मिला के दोनों, क्लियर। चेस्ट हाफ सेम, हम ये वाली चीज नीचे मार्क कर लेंगे। शोल्डर हाफ
वन इंचेस शोल्डर डाउन, थ्री इंचेस चेस्ट विड्थ। सेंटर ऑफ दिस फ्रंट विड्थ मेजरमेंट डिवाइड बाय 2, 6। डन फ्रंट आर्मोल। नाउ डार्ट्स मार्किंग चेस्ट लेंथ। इलेवन चेस्ट विड्थ डिवाइड बाय 2, 4। आर्मोल डार्ट, सेंटर फ्रंट डार्ट, साइड डार्ट। हाफ इंचेस इन ऑल साइज। साइड डार्ट डिपेंड्स ऑन लेंथ डिफरेंस, लेंथ के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा साइड डार्ट। आर्मोल डार्ट, शेप मार्किंग, अब इसको कट कर लेते हैं हम। अब हम इसमें मार्क करेंगे कटोरी का शेप। पहले सबसे पहले मेन डार्ट मार्क कर लेते हैं। मेन डार्ट वेस्ट डिवाइड बाय 4, लोअर वेस्ट डिवाइड बाय 4, अपर वेस्ट डिवाइड बाय 4। सो अपर वेस्ट डिवाइड बाय 4 है 35 डिवाइड बाय 4, सो 8.75। वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंचेस डार्ट। वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंचेस मेन डार्ट और सेम यहाँ पे 1.25। अब देखो कटोरी ब्लाउज में भी आप सबका पॉइंट निकलता होगा, अगर जो भी पहले से बनाता है वो कटोरी ब्लाउज में पॉइंट निकलता होगा, तो इस बार आपका पॉइंट नहीं निकलेगा क्योंकि आपको राउंड शेप में कटोरी का डार्ट स्टिच करना है, स्ट्रेट में नहीं। यू डोंट हैव टू स्टिच डार्ट इन स्ट्रेट। इफ यू विल स्टिच इन स्ट्रेट यू विल गेट पॉइंटेड शेप इन कटोरी। सारे डार्ट्स वगैरह सब रेडी और 36 साइज का जो ब्लाउज है वो मैं डीप नेक में मैंने ऑलरेडी बता दिया है रेशमा जी आपका। अभी हमें कटोरी का मार्क करना स्टार्ट करना है। यहाँ तक सबको क्लियर कि 4 डार्ट ही हमने यूज किया। अब हम कटोरी का मार्क किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तभी मैं रेड पेन यूज करती हूँ। पॉइंट 75 इंचेस अप, 0.75 इंच आपको यहाँ से अब जाना है और इस तरह से योग कट कर देना है। अब हम कटोरी का शेप मार्क करेंगे। तो कटोरी के शेप के लिए सबसे पहले हम डीप नेक का मार्किंग करेंगे। फर्स्ट लेट्स मार्क डीप नेक। सो 2.5 इंचेस हम रेडी शोल्डर ले लेते हैं। 2.5 इंच रेडी शोल्डर विदाउट एनी शोल्डर माइनस, कोई भी शोल्डर माइनस नहीं करना पड़ रहा। अब यहाँ से हम नेक डीपनेस ले रहे हैं 8 इंचेस।
अभी हमें नेक का शेप देना है। क्लियर, नेक शेप परफेक्ट। अभी हम नेक डार्ट ऐड करेंगे। वी हैव टू ऐड नेक डार्ट बिकॉज वी डिडंट माइनस द शोल्डर। हमने शोल्डर माइनस नहीं किया था, तो नेक डार्ट कंपलसरी है, जो कि हम हाफ इंच का लेंगे। हाफ इंचेस नेक डार्ट। आप देखो कटोरी ब्लाउज में इस तरह से हमारी कटोरी दिखेगी। ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये वाला डार्ट दिख रहा है, बाकी कोई भी डार्ट हमें नहीं चाहिए। सो क्लोज दिस एंड क्लोज दिस। ये तीनों डार्ट को हमें क्लोज करना है। मेन डार्ट कट करेंगे हम। अभी हम सारे डार्ट माइनस करेंगे, तो ये डार्ट हमें क्लोज करना है। आप इस तरह से कट करके भी कर सकते हो क्लोज। उसके बाद हम साइड डार्ट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम सेंटर फ्रंट डार्ट भी क्लोज कर देंगे। एक ये फ्रंट हुक ब्लाउज है, तो हम ये डार्ट क्लोज कर सकते हैं। अब हमें कटोरी का शेप देना है। देखो क्लियर, सबसे पहले हमने योक अलग किया, मेन डार्ट कट किया है और तीनों डार्ट को क्लोज किया है। और अभी हम इस डार्ट को भी क्लोज कर देंगे, नेक डार्ट क्लोज। यहाँ से हमें थोड़ा सा कट करना है। वी हैव टू कट लाइक दिस। आर्महोल में से नहीं काटना, नेक में से काटना है। नेक को रीशेप करके काट लेना है। अब हम कटोरी का शेप देंगे। लेट्स मेक द शेप ऑफ कटोरी। सो कटोरी के शेप के लिए आप यहाँ से 4 to 5 inch नीचे जा सकते हैं। लाइक 30-32 चेस्ट में आप 30-32 चेस्ट में आप 4 inch जा सकते हो। 34-36 4.5, 38-40 5 inches, 42-44 5.5। इस तरह से हमें यहाँ से नीचे जाना है नेक में से कटोरी का शेप देने के लिए। तो अभी मेरा 38 साइज है, तो मैं 5 inch जा रही हूँ। क्लियर, अभी हम यहाँ से कटोरी का शेप देंगे। कटोरी के शेप के लिए हमें यहाँ से ये जितना मेजरमेंट है 4 inch, वही 4 inch हमें यहाँ से मार्क करना है। सेम मार्किंग, यहाँ से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया कटोरी का शेप। मेन डार्ट हम इसका, ये जो मेन डार्ट है वो क्लोज कर देंगे। चलो यहाँ तक हो गया, ये पार्ट हम पूरा काट देंगे। सारे डार्ट क्लोज हो चुके हैं, मेन डार्ट भी हम पूरा काट लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा। अभी हम ये कटोरी का शेप कट करेंगे।
अब देखो, जब हम ये कटोरी को स्टिच करेंगे तो ये इस तरह से शेप जो है बैठ नहीं रहा। देखो ये ऐसे भागा भागा सा लग रहा है, यानी कि ऐसे जा रहे हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो गैप हो रहा है वो हमें क्लोज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक एक्स्ट्रा डार्ट बनाना है। वी हैव टू क्रिएट एक्स्ट्रा डार्ट लाइक दिस। आर्मोल डार्ट और साइड डार्ट के सेंटर में हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 दोनों तरफ से मार्क करेंगे। वी हैव टू मार्क 0.25। इस तरह डायमंड का शेप बनाएंगे। क्लियर? ये पूरा डार्ट हमें क्लोज करना है, यहाँ से बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा। ये पूरा पार्ट हमें क्लोज करना है। इस तरह क्लोज हो जाएगा ये। अच्छे से देख लो कि हमें कैसे क्लोज करना है। अब जब हम ये डार्ट को स्टिच करेंगे ऐसे, तो ये देखो परफेक्टली मैच हो, इट्स परफेक्टली मैच्ड। तो पहले कैसा हो रहा था, ये अपनी अलग डायरेक्शन में जा रहा था और वो अलग डायरेक्शन में। यू कैन सी इट्स द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, नाउ इट्स मैच्ड। तो परफेक्ट मैच हो गया। देखो फर्स्ट इट्स गोइंग इन अ different direction this part, but now it's perfectly matched. अब देखो ये perfect match है। तो इस तरह से हमारा ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल भी रेडी है, वो भी सिंगल सिंगल कटोरी। अभी हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। चलो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से पीछे फ्रंट का शोल्डर बैक में ट्रेस करना है। नेक डीपनेस मार्क कर लेंगे हम 11.5। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इफ यू वॉन्ट टू मेक फॉर ओल्ड एज वुमेन, देन यू हैव टू मार्क लाइक दिस। अगर आप किसी एज वालों को बना रहे हो तो थोड़ा सा क्रॉस में ऐसे मार्क करना हो, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए होगा। बट अगर नॉर्मल इंसान के बना रहे हो ऐसे कटोरी वाला ब्लाउज, तो एज वाले के ही बनेगा। हम इस तरह से मार्क कर देंगे। और बट अभी कटोरी वाला ब्लाउज है जो वापस से ट्रेंड में आने वाला है जल्दी ही, ये कट कर देना है। ठीक है, लेट्स मार्क द डार्ट। अब देखो उसमें मेरा डार्ट कम आएगा। इन दिस यू कैन सी डार्ट इज ओनली 1/2 इंचेस, वेस्ट से ओनली आधा इंच ही एक्स्ट्रा, इसलिए मैं डार्ट 1/2 इंच डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कटोरी ब्लाउज में आपको 1/2 इंच डालना, इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू ऐड इन ओनली कटोरी ब्लाउज। अब देखो पिछली बार हमने यहाँ से नेक डार्ट क्लोज करने का सीखा था, वी हैड लर्न हाउ टू क्लोज नेक डार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। बट अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से नेक डार्ट को क्लोज करेंगे ऐसे, यहीं से कर लेते हैं। चलो वो ईजी रहेगा। पूरा हमें ऐसे मार्क करना है क्रॉस में, एंड 0.5 इंचेस, 10 to 11 इंचेस डीप, 0.5। अभी नेक काट लेते हैं। यहाँ पे हमारा आर्म होल लेंथ बचा है 7। पूरी कटिंग हो गई है फ्रंट और बैक दोनों की। हमारा साइड पार्ट बिल्कुल मैच होगा। तो आप सबको ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे लगी? आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर डबल कटोरी? इसी से हम डबल कटोरी भी बनाएंगे।
आप देख सकते हैं कि अगर हम राउंड में स्टिच करेंगे तो हमारा पॉइंट भी नहीं निकलेगा। इफ़ यू विल स्टिच इन कर्व शेप और वी विल नॉट गेट पॉइंट। ये तो एकदम स्मूथ दिख रहा है। नेक कट के बाद एंड डार्ट के बाद नेक का लेंथ कम नहीं होता है, नहीं नेक का लेंथ कम नहीं होगा। फिर भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ देखो 8 कट किया था, 8 ही है यहाँ पे। और कभी भी जो कटोरी है वो फैब्रिक में हमें क्रॉस में काटनी है। कटोरी वी हैव टू कट इन क्रॉस डायरेक्शन। कटोरी को क्रॉस में काटेंगे और बाकी सारे पार्ट स्ट्रेट।